बाय कॉपीराइटिंग। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वीडियो। सो अरे हम यार, कुछ चीजों पे बच गई। ओ हम आज हम कुछ चीजों पे रिएक्ट करने वाले हैं। माय कॉपीराइट। ओके, किस पे करें? आई गेस नॉट राइट ऐप पे। सोते हो तो कोई मॉन्स्टर या चूड़े लाके तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, पर अगर तुम पैर अंदर करके सोते हो तो तुम्हारा कोई कुछ ही नहीं करेगा। फिर पैर अंदर कर लिया, तू अगली बार मिल, बताता हूँ तुझे। चैन से सोएगा ना अब तू? ले तेरा लाइट ऑन कर दिया, अब ठंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा। ले तेरा पंखा भी ऑन कर दिया अब तो। तो ऐसी किसी बात पे आर्गुमेंट चल रहा होता है तो उसी बीच न जाने मेरे दिमाग में क्या आता है और मैं बोलता हूँ, तुम लोग अच्छे लोग हो, हमें मिलना चाहिए। ये सुन के भैया सन्नाटा मच गया। क्या बोला तूने? आयु तुझे पता है ना ऑनलाइन दोस्त कभी मिल नहीं सकते। इनफैक्ट ऑनलाइन दोस्त जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, हम सब तो रोबोट है। आयु तू हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता, हम जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला और न जाने क्यों गुस्से में डोरेमोन का थीम सॉन्ग गाने लग गए, वो भी तमिल में। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सॉरी गाइस, कुछ महीनों से जिंदगी थोड़ी सही नहीं चल रही है इसलिए ऐसे जोक्स आ जाते हैं कभी कभार। सरप्राइजिंग, मेरे ऑनलाइन दोस्तों ने मेरी मिलने वाली बात को सीरियसली लिया। ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, मतलब हंस हंस के पागल हो जाते हैं कभी कभार। और इसी तरह हमारी मुंबई टू गोवा ट्रिप प्लान होती है जो की दिसंबर में थी, तो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा दिसंबर तक का टाइम। तो अब कुछ रीजन की वजह से मुझे मुंबई प्लेन की जगह ट्रेन से जाना पड़ता है। नहीं, मैं एयरपोर्ट पर फटाका लगाता हुआ नहीं पकड़ाया था, थे कुछ रीजन थी कि सच में थे। तो मैं रात में ट्रेन में बैठता हूँ और सुबह में मुंबई पहुंच जाता हूँ। अब जो मुंबई पहली बार आता है ना, वो ना अलग अलग चीजों को देख के चौंकता है, जैसे वड्डी वड्डी बिल्डिंग, वड्डे वड्डे सुपर स्टार। और इधर मैं जैसे मुंबई के स्टेशन पे उतरा, ओ बहन की एलिवेटर स्टेशन पे, वो भी भाई साहब उसको एस्केलेटर बोलते हैं, एलिवेटर मतलब आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को फोटो खींच के भेजी, मम्मी एलिवेटर वो भी स्टेशन पे। भाई साहब एस्केलेटर होता है, देखो ये हमारे स्टेशन पे नहीं होते हैं, हमें पूरा ब्रिज पैरों से चढ़ना पड़ता है। मेरे गांव के ब्रिज पता है बादलों में होते हैं, वो ब्रिज को इतनी ऊपर होने की जरूरत भी नहीं है, उसको किसी इंजीनियर ने भी नहीं बनाया है, ये गांव के लोगों ने मस्ती में उसको इतनी ऊपर तक बना के आ गए हैं। अब वो स्टेशन का ब्रिज ना आउटर स्पेस तक पहुंच चुका है। साला कुली लेके भी जाओगे ना तो थोड़ा ऊपर जाके तुम्हारी कुली को भी कुली करना पड़ जाएगा। भाई साहब कुली करना पड़ेगा? अरे किया तो है तुम्हें। अरे आपको नहीं, मुझे कुली करना पड़ेगा, रुको कुली। गंजी भैया इन्हें ऊपर तक छोड़िया हो यार। अरे पागल हो क्या मियाँ, ऊपर तक जाना है तो स्पेस सूट किधर है तुम्हारा, और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है, हम लोग क्या बहुत ऊपर खड़े हैं मियाँ, देखो यहाँ से वो माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। देखो आज की रात तो हमें ये सीढ़ियों पे सो के गुजारनी पड़ेगी, ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ के खूंखार जानवर घूमते हैं। और सबसे जरूरी बात, लेके आए कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है, हम लोग क्या बहुत ऊपर खड़े हैं मियाँ, देखो यहाँ से वो माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। देखो आज की रात तो हमें ये सीढ़ियों पे सो के गुजारनी पड़ेगी, ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ के खूंखार जानवर को। ये क्या था, जादू की शक्ल ऐसी क्यों आई भी है? रोहित भी बॉल मीठा अमूल मिल्की। और सबसे जरूरी बात, हम लोगों के बीच में मैं सोऊंगा। मुझे मुंबई से अपने स्टेशन जाने में 10 घंटे लगते हैं और फिर अपने ही शहर के स्टेशन से घर जाने में 7.5 महीने। अब तुम बोलोगे नॉट योर टाइप, तो बहुत ही विलेज पीपल है। हाँ तो ठीक है, हूँ मैं, नहीं होते हमारे यहाँ पे एक्सलरेशन। भाई उसको एस्केलेटर, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई जाने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे सब लोग मचाएंगे, टेढ़े चाले सीधे चाले इस तरीके से बात करते होंगे, तो मैं भी ना फुल रेडी था। मैं स्टेशन से बाहर निकला और एक ऑटो रोका, तो सबसे पहले तो मैंने अपने ट्रेन में खरीदी हुई 24 कैरेट आइस डायमंड चेन आगे करी। मैंने 20 रुपए में खरीदी थी, आगे अपना टाइम आएगा भी लिखा था, क्योंकि मुंबई में थे यार, थोड़ी मेरी दिखनी चाहिए। कौन है अंबानी है, किधर रहता है वो, है क्या उसके पास ये? तो वो ऑटो वाला पूछता है किधर जाओगे। इधर मैं फुल मुंबई के स्वैग में, क्या बोलते ऑटो वाले चाचा, अंधेरी चलोगे क्या? चलो ना, मचाते ना अंधेरी में चल के। अंधेरी में तुम उजाला लेके आओ, ऑटो में क्यों बैठे हो, लैम्बोर्गिनी लाओ, ये अंधेरी में तुम आओ। क्यों चाचा? अरे भाग, 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 कड़कती धूप में मुजरा दिखा रहे हो मेरे को।
अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए, ऑटो से छिप सकता हूँ। हम लोग हमारे मुंबई के अपार्टमेंट आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टेशन से अपार्टमेंट तक तो हम भगते भगते आए थे। वो ऑटो वाला पीछे पड़ा था ना। क्यों पीछे पड़े हो हमारे, जाओ ना। नहीं मजाक कर रहा हूँ, 700 रुपए की टैक्सी करनी पड़ी थी अपार्टमेंट तक, 700 रुपए की। 700 रुपए पता भी है कितने होते हैं? 700 रुपए में पता है तुम मुंबई में क्या क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो 700 रुपए में, तुम 700 रुपए में वापस उसी टैक्सी में बैठ के स्टेशन जा सकते हो। भाई साहब मैंने 750 कर लिया है रेट। कितनी महंगी है मुंबई। तो मैं और मेरा दोस्त डैश के, हम लोग हमारे बाकी दो दोस्त से पहले आ गए थे, तो अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तभी मुझे मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मॉल में मिलने बुला लिया, तो हम लोग जाते हैं मिलने, वापस 700 लगा के। ये मुंबई में ना, तो मेरी दोस्त ने ना मुझे एक मूवी देखने बुलाया था, अवतार। मूवी में ज्यादा कुछ खास था नहीं, कुछ नीले लोग नंगे होके पानी में भाग रहे होते हैं रोबोट मशीन से बच के। ये मूवी मैंने 3D में देखी थी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, अब बस वो नंगे लोग मेरे साइड से निकल के भाग रहे थे। हम ये जंग जीत के रहेंगे। सर वो सब तो ठीक है, वो आदमी कौन है? अरे वो हमारी मूवी देख रहा है 3D में। उसे तो मजा ही आ जाएगा जब हम सब नंगे होके उसके सामने से भागेंगे। मेरी बात सुनो सब लोग, हम लोग उसके बहुत पास से भागेंगे लेकिन उसे टच नहीं करेंगे। जी भी मैंने तो अपने हाथ भी गीले कर लिए सूसू से। जैसे ही मैं नंगा होके उसके पास से भागूंगा, अपने हाथ उस पे लपलपा दूंगा, चीटों से उसे लगेगा मूवी और रियल है। मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे मॉल में बुलाया था, उस दिन उसका बर्थडे था और मैं इधर बेशरम पे आया खाली हाथ गया था, बिल्कुल उस लेंडू बच्चे की तरह जो बर्थडे पार्टी में खाली हाथ आ जाता है। फ्री का नमकीन और केक दे दो बस उसे। तो ये बच्चा इधर मैं था, चीजें अभी इधर खत्म नहीं हुई है। उस बंदी ने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया, चीजें अब सीरियस हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम इधर, ठीक है इधर है, और फिर आता है किसी के बर्थडे पे उनसे ही गिफ्ट ले लेना इधर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बंदी मुझे टॉन्ट मार रही है कि सच में गिफ्ट दे रही है। मुझे उस समय इतनी ज्यादा शर्म की अनुभूति और आभास हो रहा था, मेरा मन कर रहा था उठ के भाग जाऊं वहां से। अरे वो बाहर बहुत गर्मी है ना, इसलिए मैंने सोचा फ्राइड स्प्राइट पी लूं आके, और पेरी पेरी फ्राइड्स भी मेरे फेवरेट है। देखो अगर उस टाइम मैं जाता तो अपने पीछे वाले जेब से बटवा निकाल के 1 50 का करारा नोट और 1 रुपया लगा के बड्डा लिफाफा बना के उसे दे देता, लेकिन मैं कोई 80 साल का दादाजी नहीं हूँ और वो भी मेरी पोती नहीं है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने बेशर्मों की तरह उसका गिफ्ट ले लिया और कमियां भी निकाल रहा हूँ। घड़ी तो अच्छी लाई हो तुम, लेकिन फास्ट ट्रैक की लाती तो हमारे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए थे, इतने कि मैं अपने बेसमेंट वाले बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रहा हूँ। चुप रहो, मैंने कहा ना नहीं मिलेगा खाना। आप पैसे के लिए इंडिया नंबर 1 ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप प्रोमो पे क्यों नहीं जाते? आप बस यहाँ पे यस और नो का आंसर देके लाखों में पैसे कमा सकते हो। प्रोमो एक ट्रस्टेड ऐप है जिस पर 1 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है। यहाँ पर क्रिकेट, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और कई सारी कैटेगरीज में क्वेश्चंस है, जैसे अभी T20 सीरीज में इंडिया वर्सेस विराट कोहली। भाई मैंने आपको कब पकड़ा, ₹1000 का वेलकम बोनस भी मिलेगा, तो अभी जाके डाउनलोड करो। रात तक मेरे बाकी दोस्त भी आ गए थे, तो फिर हमने मुंबई की फेमस जगह, अरे वहीं जहाँ सब लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ घूमना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ रहते हो, तुम्हारे दिमाग में मस्ती रहती है, तो एक मॉल में हमें एक सांड वाला झूला दिखता है। अब उसे देख के 21 साल का मैच्योर आदमी क्या करता, पापा बहुत बीमार है।